हेलो दोस्तों, आज जो है हम ड्राइव एक्सपीरियंस लेंगे नई वाली हुंडई वरना का। मेरे पास 1600 सीसी का इंजन है, तो भाई मैं आराम से बता सकता हूँ कि मेरे को ये गाड़ी चला के क्या कुछ मजा आया। तो चलते हैं भाई, गाड़ी को पहले तो स्टार्ट ही कर लेते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है आजकल, और भाई ने सुपरमैन भाई के शौक भाई बस भाई दिखने में तो बढ़िया ही लगते हैं यार। एसी चला लिया है भाई, गर्मी 28 डिग्री दिख रहा है, पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो भी ऑन कर रखी है। हां भाई, मैं का भाई को फील कर रहा हूं। मजा तो है यार, पसीने में तो बहुत ही ज्यादा फील होगी। सॉफ्ट है मतलब गियर, हां जी रिफाइंड है ना, मतलब से BS6। आवाज तो बहुत कम है यार इसमें। से भाई अभी हम पंचकुला में ही गाड़ी चला रहे हैं, और रोड इतनी बढ़िया नहीं है क्योंकि आजकल और कुछ यहाँ चलान का भी हो रखा है, और बारिश भी आजकल इतनी हो रही है सीधा रोड ही टूट जाता है। भाई मैं वैसे बताता हूँ, अब जैसे मैं चला रहा हूँ ना, हाँ जी, वैसे तो मैनुअल बहुत दिनों में चला रहा हूँ मैं गाड़ी। अच्छा मैनुअल? हाँ अच्छा, क्योंकि अब घर में सारी ऑटोमेटिक होगी ना, ऑटोमेटिक का जब एक बार शौक चढ़ जाता है ना, जब मैनुअल चलाने में मजा नहीं आता। ये बात तो है, मैनुअल का अपना स्वाद है यार, ऑटोमेटिक का अपना स्वाद है। देखो भाई स्टीयरिंग तो सही में हार्ड है इसका। हाँ, पहले से इंप्रूव हुआ है बहुत ज्यादा, स्टीयरिंग जो हुआ है ना बहुत, ब्रेकिंग भी बढ़िया हो रखी है। BS6 का जो मतलब जो फेसलिफ्ट वर्जन आया है, और जो यूं कहते हैं ना कि BS6 में आवाज वाइब्रेशन मतलब सब कुछ कम है। हाँ जी, रिफाइनमेंट तो बहुत अमेजिंग है इसका, क्योंकि वो ये आपकी 1.6 है, ये 1.5 भाई मैं तो, और ब्लैक कलर तो भाई साइड से भी देखने में एक बार तो जब कोई साइड से जाता होगा, एक बार तो देखता होगा गाड़ी को। मतलब जब नई नई ली थी ना, मतलब टेम्परेरी नंबर में तो भाई एक बार देखते ही अच्छे आए थे, मतलब चंडीगढ़ वगैरह में भी, मतलब लगता है कि भाई सही चीज ली है, मतलब वर्थ द मनी है यार कार। यार अभी इतने पैसे लगाए आदमी जब भी मजा नहीं आया तो फिर तो मतलब क्यों लगा रहे हो। ये तो है, और आप ना जो आप ऑडियंस आप देख रहे हो डीजल ही लेना, वरना मतलब भाई मैंने तो देखा है पेट्रोल भी लेते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। भाई पेट्रोल लेके तुम कहाँ जाओगे, पिकअप नहीं है और माइलेज तो है ही नहीं भाई, 8-9 की माइलेज। घर से निकले आदमी 1000 का तेल फुल टैंक। अब तो पेट्रोल बहुत ही ज्यादा महंगा भाई, 100 से ऊपर जा चुका, 90 तो ये भी हो ही चुका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर वो यार अगर आपकी रनिंग वगैरह कम है तो आप पेट्रोल भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो वो ही आ जाता है, क्योंकि डीजल में भी आपको मैं डिसएडवांटेज बता दूं, जैसे आपकी रनिंग कम है और कार आपकी ऑन नहीं हो रही है 3-4 दिन तक, तो ये BS6 में वो DPF का चक्कर पड़ता है ना, वो लाइट आ जाती है इंजन लाइट वगैरह, तो सब वैसे कोई एरर आए इसमें अभी नहीं तक। अभी तक तो कोई नहीं है, मेरी तो रोज ही चलती है। बाकी भाई मैं अगर अपना बताऊं ना, मैं पहली बार ही बैठा हूं ये वेंटिलेटेड सीट्स वाली वरना में, मतलब यूज हो रही है जिसमें और मजा तो आ रहा है यार, मतलब कि है प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो है, गर्मियों में तो बहुत। मैं यूं मान रहा था यार बस नाम नाम का होगा, क्योंकि अब मैं जब पर्सनली जब किसी में बैठ नहीं रखा था, मैं मतलब इतना पता नहीं पाऊं। लाइफ में जब तुम आजमा नहीं सकते ना चीजें, वो आपको पता नहीं चलती है। बाकी भाई डिजिटल स्पीडोमीटर जो है, इसी से ही हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है एकदम से। मैं भी इससे अट्रैक्ट हुआ था भाई, लुक बहुत ही, मजा तो है भाई बहुत ज्यादा, और आवाज तो है ही नहीं यार मेरे को तो इसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं लगी। आपको तो यही होएगा ना कि जैसे आपकी, अब मेरे को अपनी क्या आदत हो रखी है ना, उसकी RPM ऊपर जाती है, आवाज वैसी उसमें जाती है। और अब जैसे थर्ड गियर, मैं तो थर्ड गियर में भी उठा रहा हूँ ना भाई, एकदम से उठ रही है थर्ड गियर पे ही बढ़िया 91। इधर थोड़ी रोड भी है भाई, रोड का तो क्या करें, रोड का तो क्या करें, बारिश की वजह से टूटी है, नहीं तो पंचकूला की तो बहुत ही अमेजिंग रोड है। आप बताओ भाई, आप पंचकूला आ रखे हो रोहतक से, कैसे भाई? मैं बताता हूँ, मेरे को चंडीगढ़ पंचकूला बहुत बढ़िया लगता है, मतलब यहाँ पे हर एक तो जैसे रूल्स वगैरह है ना, वो भी बढ़िया है, फॉलो करते हैं। ये बात तो है, अब यही रूल्स हम रोहतक में लगा देना भाई लिखवा के ले लो, अगर कोई भी रेड लाइट पर रुक जाए तो ये तो है भाई, और रॉन्ग साइड से आएंगे वो अलग चलान, आप घर ही आएंगे चंडीगढ़ सीधा भाई, घर पे 3,500-2,000 स्पीड लिमिट 50 है चंडीगढ़ में, हर जगह जगह तो। अच्छा,
तो उसकी भाई कैमरा नहीं है उसमें बढ़िया। होंडा सिटी में बहुत बेकार कैमरा है, तीन व्यू का वाइड एंगल कर दिया वो कर दिया, पर उससे बढ़िया ना मैं जो 5-6 हजार के फोन आते हैं ना उसका कैमरा बढ़िया है। जो होंडा सिटी के इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो भी मतलब यूआई उसका इतना अमेजिंग नहीं लगता पर्सनली। अब जैसे इसमें सेम ही आता है जैसे आर कमीज वाला स्पीकर्स ऐसे ऑप्शनल में भी आर कमीज के आते हैं, एक ये भी मैं कह सकता हूँ। तो साउंड सिस्टम से तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे को तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हमारी ब्रेज है जो दूसरी कार है उसमें हमने बहुत ही ज्यादा मॉडिफिकेशन करा रखी है, उसमें वूफर वगैरह एम्प वगैरह बहुत ही कुछ करा रखे की भाई गाड़ी तो इशारे पे चलती है। ये मैनुअल में यार यही है कि जब आपको गियर अपनी मर्जी से करो यार, ये बात ऑटोमेटिक में और इसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि भाई कोई गियर में लैग है। हाँ जी हाँ जी, फर्स्ट में उठाओगे तो फर्स्ट में भी। तो वैसे आपने मतलब क्रेटा टाइप भी देखी थी कोई गाड़ी? मैंने मतलब कि वैसे थार देखी थी, उसके बाद क्रेटा का सोचा था, मतलब कि जैसे कहते हैं ना एक मन तो नहीं था कि बट सोचा था, क्योंकि वो ये जैसे ये मेरा पीछे भाई बैठा है इसने भी क्रेटा बुक करा रखी थी, आपको पता है दोस्तों में ये रहता है कि दो कार सेम हो जाए तो मतलब वो समझ रहे ना कि स्वाद सा नहीं आता, क्योंकि दोस्तों में ये रहता है एक दिन मेरी कार में घूम रहे एक दिन उसकी कार में, मतलब बदल बदल के थोड़ा ज्यादा मजा आता है। अगर यही हो कि दोनों की सेम है तो आप समझ ही रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्रेटा का वैसे ऐसा मन नहीं था, बट नो डाउट इंक्वायरी करी थी, बट फिर वही था कि बुकिंग बुकिंग का कुछ चक्कर नहीं था। क्रेटा में ना हमारे नोन थे, तो जैसे उसकी 8-9 महीने की बुकिंग है तो मुझे एक महीने में मिल जाती, नोन थे फिर भी एक महीने में मिलती क्योंकि बहुत ही मार हमारी है। और मेन बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे महिंद्रा वाले इतना ब्लैक करते हैं मतलब प्रीमियम पे बेचते हैं, हुंडई कभी भी अपनी कार प्रीमियम पे नहीं बेचेगी आपको ना, तो वरना मैं कहने लग रहा है यार। तो क्रूज आती थी एक शेवरले, क्रूज तो बहुत अमेजिंग, पर वो ये कंपनी बंद हो चुकी है भाई, कंपनी बंद होगी, पर अगर अभी कोई मिलती हो ना बढ़िया तो वो तो है, बट वो ही रहता है कि कुछ खराब भी हो जाए ना कंपनी नहीं है, स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत है, मतलब एक्सेसिबल नहीं रहती ये बात है, बट क्रूज का तो पर सेकंड नंबर पे तो भाई यही है, इसके आगे तो सब फेल है। ये भाई का वैसे आवाज कर रहा है, हाँ, ये आवाज करते है जब हिलता रहते है, शांत हो जाओ। और ये जो स्टेयरिंग वाली बात है ना वो तो सही में सही कह रहे हैं भाई, बहुत थोड़ा हार्ड हो चुका है मेरी वाली से, तो मतलब हाईवे पे दिक्कत नहीं देगा भाई। बाकी कोई मॉडिफिकेशन और कुछ नहीं? नहीं भाई, बस इधर ना फ्लोर लाइटनिंग है, एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, वो इसी के साथ कनेक्शन, मतलब कनेक्शन ऑटो पे जब चल जाती है ना फ्लोर लाइटनिंग है, ये ब्लूइश सी है अभी इतना नहीं पता चल रहा होगा, तो ये मतलब जैसे इसके इंटीरियर ब्लूइश है ना बस, और ये भी मतलब फ्यूज से डायरेक्ट कनेक्शन था। हाँ जी, कुछ वो नहीं है वायरिंग का, वायरिंग इधर फ्यूज बॉक्स है ना साइड में इधर से डायरेक्ट था, कुछ वैसा चीज नहीं है। अगर कोई देख रहा है तो भाई आप रिकमेंड करोगे उसे? मैं तो कहूंगा भाई अगर आपकी मतलब की फैमिली छोटी है ना, 3-4 मेंबर है और रियर में आप बैठ सकते हो, क्योंकि इसके बंदों को जैसे आप पीछे बैठे हो तो आपको कैसा तो सेट कर ठीक है मेरे लिए, तो मतलब अभी मैंने आगे भी कर रखे थोड़ा, हाँ मतलब की मैं यही कहूंगा कि आप ले सकते हो अगर सेडान आपको लेनी है, और मतलब वर्थ द मनी यार, इतना बढ़िया इंजन और इंटीरियर भी आपको दिख रहा है, फन टू ड्राइव कार है। अगर आपको इंटीरियर तो भाई मेरी वाली से तो बहुत बढ़िया, जैसे इसके इवेंट्स भी ये भी बढ़िया लगती है यार। ये सबसे मेन तो भाई मेरा इस पे तो सही में दिल आ गया तो चलो भाई वीडियो को एंड करते हैं, और जाने से पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसी वीडियो और लेके आता रहूंगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर देना, यूजर नेम आप यहाँ नीचे देख सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।